अगर आप सैमसंग मोबाइल यूज़ करते हो और आप इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन करना चाहते हो तो मैं बता दूँ, उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग मोबाइल फ़ोन के अंदर इनबिल्ट फीचर आता है जिसमें छोटी सी सेटिंग को चेंज करके आप जो है अपने फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले आप कॉल में जाइए, यहाँ पे आपको सर्चर के बगल में थ्री डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग में जाइए। फिर यहाँ से यहाँ आपको जो है रिकॉर्डिंग कॉल्स का ऑप्शन थर्ड नंबर पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको गाइस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यानी कि जब भी आप कोई कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड होने के बाद में यानी कि कॉल कटने के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ऑटो रिकॉर्डिंग, यानी कि आपको फ़ोन उठाते ही ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग जो है चालू हो जाए, ये अगर ऑप्शन चालू करना है तो यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। इसमें तीन अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल नंबर्स, अनसेव्ड और सेलेक्टेड नंबर्स, यानी कि सभी नंबर्स के लिए करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका अगर चाहते हैं कि जो नंबर आपके पास सेव नहीं है वो फ़ोन आते हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं तो वो ऑटोमेटिक इसके अंदर रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड नंबर चाहते हैं कि वहाँ से फ़ोन आता है अगर तो वो कॉल रिकॉर्ड मेरे अपने आप हो जाए, तो ये भी आप ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने रिकॉर्डेड कॉल्स को सुनना चाहते हैं तो लास्ट में रिकॉर्डेड कॉल्स का जो ऑप्शन है वो वहाँ से आप जो है इनको देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी रिकॉर्डेड कॉल्स हैं वो डेट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप उनको सुन सकते हैं। तो गाइज जिस तरीके से आप अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन में कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर नीचे बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जिसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।